अल्लाह सबको सलामत रखेगा। बस कोशिश फरमाए कि थोड़ा गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। क्योंकि बुखार भी इस वक्त बड़ा ज़्यादा शदीद है, तो बस आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें तेरी तौफीक अता। बस आपने जरा मोहब्बत ठीक है, जरा जितना आप सूफियाना माहौल पैदा करेंगे तो उतने फिर सीना कुशादा होता है, क्योंकि हम हैं जरा थोड़े नक्शबंदी। नक्शबंदियों का मौका भी है कि दिल में वो याद तेरी और गोशा इतना ही अल्लाह मेरा आप जाहिर देख के नहीं किए कि ये नक्शबंदी है, क्योंकि तारा हवा भी लग गई थी। बहरहाल मैं ये गुनाहगार नक्शबंदी मुझे दी है, ये है कि बस पता नहीं कौन कौन सा राय चल रहा है, इसलिए बस हम तेरा मोहब्बत से समाप्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए أما ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام الحكيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقترنين فإن من حدودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العملي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك सबको सलामत रखे, बकरामत रखे। एक बार फिर गुरु पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि कोशिश करनी है कि दाएं ना देखें बाएं ना देखें, ऊपर ना देखें नीचे ना देखें, बल्कि कोशिश करेंगे कि बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं आप भी उनकी तरफ देखें। ठीक है, तो फरमाएंगे किस तरह देखें, आगे तो दीवार है, तो मैं आपसे ये अर्जी पेश करता हूँ, ये आपके लिए दीवार है, ये उनके लिए दीवार है। इस बात का ध्यान रखा जाए, जिंदा नबी की बारगाह में सलाम, क्योंकि तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से आप नहीं देख सकते, क्योंकि बल अहया उम वला किल्ला तशुरून, लेकिन महबूब तो देख रहे हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि मैं बाप से कहा करता हूँ, अब इस तरह भी पढ़ेंगे ना तो वो कबूल कर ही लेते हैं, लेकिन जब फिर आप उस तरह पढ़ेंगे तो फिर बात ही कुछ और होगी, क्योंकि एक होता सिर्फ पढ़ दिया जो अक्सर उसको इस तरह उसी तरह करते हैं, लेकिन एक होता है जी दिल से पढ़ना, जिसको मैं पंजाबी में कहूँगा याद करना। हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम याद नहीं करते, कोशिश किया कर इस तरह पढ़ा ना करें, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को याद किया। अच्छा आप पूछेंगे कि याद करेंगे तो फिर क्या होगा, होगा तो बड़ा कुछ, चलो मैं बस बारीक सा इशारा दे के आगे गुजर जाऊँगा। अल्लाह फरमाते हैं जब तू याद करेगा तो फिर ये होगा, क्या होगा, अफरमाते उनके निसार कोई कैसे ही गंज में हो, जब याद आ गए हैं सब रोम भुला दिए हैं। हम सब पढ़ते हैं, हम याद करते हैं, ठीक है, कोशिश किया करें कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया करें।
हम पढ़ते हैं, हम याद नहीं करते। और कुर्बान जब हम हजरत जी को याद करते हैं तो फिर आगे से भी पढ़ा करें। हजरत सईद मोहम्मद को कुछ दिन बख्तियार का किराया दे रहा है, ठीक है। तो क्या कि हजरत हर रात 3000 बार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। मैं आपको ये बात जाते हुए कह जाता हूँ, और मैं कहता हूँ हजरत जी हमारा करोड़ बार एक तरफ, उनका एक बार एक तरफ, ये भी याद रखना। लिखा है कि हजरत ने निकाह फरमाया, वो 3 रात अपनी बीवी के हुकूक अदा करते हैं तो तोहफा नहीं बेच सके उस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। तो लिखा है कि 3री रात अपनी इख्तिताम की तरफ रवाना दवा थी तो आपके एक मुरीद को ख्वाब में उस नबी अलैहिस्सलाम की जान पड़ी। आपने फरमाया अपने शेख से जाकर कहना कुछ दिन क्या हो, 3 रातें गुजर गई तेरी तरफ से तोहफे नहीं आ रहे। 3 रातें गुजर गई तेरी तरफ से तोहफा भी आ याद किया। तो कुर्बान जाऊं याद करना तो शुरू करो, फिर देखो हजरत जी याद आपको मदद क्या देगी। हजरत जी क्या ये नशा जी, किसी सूफी ने बड़ा बहुत कमाल लिखा, वो कहते हैं हजार जाम तसद्दुक हजार मैं खाने निगाह यार की मस्ती शराब क्या जाने। और मैं तो इस तरीके का करता हूँ हजरत जी, झूठ बोल रहे हम जितने मर्जी बोल लो, लेकिन सच ये है कि रूहानी तौर पर हम दिन ब दिन हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम से दूर जा रहे हैं रूहानी तौर, ठीक। इसलिए कोशिश करें अगर वो जो अलामा फातिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ताला का नारा लगाया करते थे, वो नारा हमारा इन्हें नहीं जानना, हम इन्हें नहीं लोग हैं। मैं सूफी तो नहीं है, कोई सूफी होकर खादे नहीं, तो कुछ हम आते भी पड़ गए हैं खुश आमदी के, ठीक है। और हम बार दफा बहुत बहुत बड़े जुमले बोल देते हैं। मैं उस दिन स्टेज पे बैठा था, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं बुलाया हूँ उनको कहता हूँ भाई मेरे तू पहले जरा तू कुंदास खानी करवानी न करवा, मैं जो स्टेज पर जाऊँ बस बयान होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हम नाते नहीं सुनते, हम नाते सुनते हैं, कुंदास भी तो सुनाएगा तो ना सुनाए कुछ, उनको इतने ही पता नात में मनकबत में फर्क क्या है, वो नात भी तो सुनाए, हम सुने भी बैठे वो आलिम में ही सुनाए सबसे औला वो अला हमारे नबी सुने भी जमीनों जमा तुम्हारे ही हम सुने भी। तो मेरे तब अगर कोई हमारे स्टेज पे बैठ के हमें ये सुनाए कि अली बात उनको मोहम्मद दरीर और खासा हूँ साढ़े को मैंने सुने, ये अब हम कहते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि आपके जाते खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मैं स्टेज पे जाके बैठा तो जो पढ़ रहे थे जो तो उन्होंने छोड़ा नहीं, अब वो शेर क्या पढ़ रहे थे मेरी तो उन्होंने जान निकाल दी, भाई एकदम माफी देखो माफी मिल गई। अब वो शेर पढ़ रहे थे उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं था, इस तरह का कुछ शेर मैं कह रही शेर तले करके तो बह गए याद माफी, ठीक है। जब माफी खत्म हुई ना तो मैं उनको साइड पर मैं कह रही ऐसे हाथे जोड़ के लिखू मैं शेर में पढ़ी अल्लाह को माफी मांगा करो अल्लाह अल्लाह का नबी हमें माफ कर दे, ये क्यों ना पढ़ो ना हुजूर बस गुनाहगार दी मान लो हुजूर की तारीफ करया करो ना मैं पढ़ो, ये क्यों ना पढ़ो मेरा तो ये यकीदा है कि उनका मंगता हूँ जो मंगता हूँ मैं नहीं है। तो मेरे जी फिर उन्होंने मंगते तो 40,000 का लफाफा पहले को मंगवा दे तो खौफ खाई कर बकवास कर उनके मंगते को क्या लगे रहती 40,000 पहले मंगा के थी कहने उनका मंगता हो जो मंगता हो गए खुदा का खौफ खाइए तो माफी मंगो अल्लाह को अल्लाह का माफ। मैं भी उसी कैटेगरी में खड़ा नहीं हूँ इसलिए मैं इस तरह का कोई दावा नहीं, मैं तो माफी मांगता हूँ अल्लाह कहने में माफी नहीं है। इसलिए मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन रूहानी तौर पर हम बड़ी दूर जा रहे हैं, ये सिलसिला खत्म कर। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि उनका मंगता क्या, माशरे को जरूरत भी है इन लोगों की, क्योंकि जितनी देर आप खुद में ये रंग पैदा करेंगे उतनी देर काम नहीं होगा, क्योंकि 5 साल बाद फिर कोल्लू का पट्टा आएगा हमें को खाद दिखाएगा और फिर खतरे नूबत के वादे से पाकिस्तान का सौदा कर देगा।
मैं किसी को मैं भाई हम सुखी लोग हैं, हमारा अपना तंग है, मैं किसी को कसूरवार नहीं कहता, कसूर आपका हो गया, ये कसूर आपका हो गया। ये फिर वोट आने हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या होना है, किसी ने बल्ब के वादे पे वोट दे दिया, किसी ने गली के वादे पे वोट दे दिया, किसी ने किसी वादे पे वोट दे देना भाई। इस दफा इसी को हमने हम बना देंगे अपनी गली, हमने गली के वादे पे वोट नहीं दिया। हमें ये बताओ, अगर बात हुजूर की खातमुन्नबीयीन के हवाले से हुई, अगर बात हुजूर की तौहीन के हवाले से हुई, सिर्फ इतना बता तू वहां बोलेगा कि नहीं बोलेगा। इतनी देर हजरत आप भी रंग नहीं लाएंगे, रंग नहीं बदलेगा। इतनी देर तक आप भी रंग नहीं लाएगा, ये रंग नहीं बदलेगा। इस दफा जब ये वोट मांगा है तो बल्ब की गल छाड़ दे, अरे लो आला की बल्ब, हुजूर के कदमों पे कई बल्ब आ रहे हैं, हम लगवा लेंगे, ये बल्ब की बात ना सुना, तुम्हारी गली बनवाएगा, तुम्हारी सड़क बनाएगा, ये बातें नहीं ना सुना, बस इतनी बात बता, अगर बात हुजूर की नामूस की आई तो तू वहां असेंबली में बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और जो के बोलूंगा तो उसको आगे से क्या कहना है, उसको कहना है रवि वोट तो पीछे मैं भी तेरा नौकर, मेरे बच्चे भी तेरे नौकर, का वास्ता है, हाथ जोड़ के कहता हूं यार जो ये वादा ना देख उसको वोट दे देना, क्योंकि हमारा नारा क्या है, इन्हें जानना बस सीधा वोट नहीं देना, वोट इस दफा मुसीबत होंगे देंगे जो हुजूर की नमाज के बाद। यह आपका काम मैं किस तरह मांगी, एक बंदा आप सबको नहीं यार आप ही मत कर, अभी देखो मैं ये बताने लगूंगा, लेती ये थे वो लोग इन्होंने जिनका सही ना रहता ही नहीं जानना ही नहीं जानना ना रखा गया थी काम हजरत शेख ना साले मदीना होते ना देखिए कि हजरत तवाफ का बड़ा मंसूर आ जाए तवाफ करने के लिए बादशाह है बहुत है लेकिन अरे जी वो बादशाह था कि ये तो उनके गुलाम थे ना थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर बिस्तर लगा हो अक्का दिन करते हैं वो क्या हुआ हजरत जी जैसे क्या होता है प्रोटोकॉल में सबने तवाफ छोड़ना मंसूर को प्रोटोकॉल दिया लेकिन हजरत तवाफ करते रहे अब मंसूर को गुस्सा तो पड़ने लगा लेकिन हजरत का एक 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 रोग एक इल्म का रोग फिर इल्म के साथ अमल का रोग बदल इसने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा हजरत जो लोगों के दिलों पर आपका रोग और दबदबा है हमारा नहीं किताबें आपने भी वही पढ़ी हैं हमने भी वही पढ़ी आपने फिल्मा किताबें एक और पढ़ी हैं लेकिन अमल एक हो जाती है अमल का बड़ा रोग वो अब आपको क्या कुछ नहीं सीखा उसने भी ना हजरत के साथ तवाफ करना शुरू कर दिया लेकिन वो तवाफ नहीं कर रहे वो प्लान बना रहे कुछ इस तरह का काम करण के हजरत भी मेरे मन ना ले जाए हजरत साहब ने लिफाफा मोल बना रहा वो जो है ना करता करता आपके करीब आ गए आगे क्या करता है हजरत सबने प्रोटोकॉल दिया आपने नहीं दिया मैं बड़ा खुश हूं आपको कुछ देना चाहता हूँ कुछ मांगे और गैरत इश्क की वजह से राम शुरू हो गया आपने फरमाया मंसूर तेन शर्म नहीं आ अल्लाह ने कहा खड़ा हो के मुदाब ते गुना देना वो घबरा गया करता है मुझे आपकी एक बात पसंद आई आपको कुछ देना चाहता हूँ मुदाब ते गुना कहाँ से हो आपने फरमाया इससे बड़ा गुना हो क्या होगा खड़ा उसके घर में हूँ मांगा तू इसे उनका मलका हूँ मलका हो नहीं ये वो लोग थे को माफी मिल जाए ये वो लोग थे जिन्होंने बातों में पहले दी है आपने फिर तवाफ शुरू कर दिया वो नफली तवाफ था आपने सात चक्कर पूरे किए मकामे इब्राहिम पे आके आपने जो नफली पढ़े आप बेजन में किया अब बाहर तशरीफ ले अब मंसूर भी पीछे गए जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल गए तो उसने हजरत का हाथ पकड़ के फिर खड़ा कर दिया तो अर्ज करता है हुजूर माफी देने वाकई गलती आपने फरमाया माफी अर्ज करता है हुजूर हूं तो मस्जिद चु बहार आ गई हूं खुश मन आपने अच्छा फरमाया मंसूर अगर तू देने चाहता है फिर तू ही बता दीन मांगू के दुनिया मांगू उसने इसकी हुजूर दीन के तो आप बादशाह तो मुझे तो अल्लाह ने दुनिया दे रखी है तो दुनिया में से कुछ मांगे आंखों में आंसू आ गए आपने फरमाया मंसूर जिस तरह आपने दुनिया बनाई मैंने तो कभी उससे नहीं मांगी तुझसे किस तरह मांगू देर तक आप इस पे पहला नहीं ना देंगे इन्हें जाना ना रखा गया ऐसे काम लिल्ला के हम दिन दुनिया से मुसलमान बदलो देखो खुद को बदलो होता है
उसका तरीका यही है कि सिर्फ ये हुजूर के साथ ना और बल्कि ये भी हुजूर के कदमों में है। बात ठीक है, बात जब इधर से कनेक्शन लगे तो बात फिर बन, इसलिए कोशिश करें इधर से भी कनेक्शन हो जाए। उसका तरीका मैं कोई आपको मुँह खाने तरीका बताने लगा, उसका तरीका ये है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया, हम याद नहीं करते। कोशिश करियो सज्जे नहीं देखना, कब्बे नहीं देखना, अखा बंद कर ली ऐ ध्यान करो, ननकाना मदीने तू दूर है, मदीने तू ननकाना दूर कोई नहीं है, ऐ दूर नेड़े तो लेके भी ना पै गई है, इन दूर ही बाहर बस सज मान ले लो ननकाने मदीने दूर बजे ने खा ले नहीं है। फिर हुजूर ने ऐसे काम किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और भाई अपना अपना अंदाज है, या मेरे बुजुर्ग फिर फरमाया करते थे तू 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 याद कर तरीके दूर से की होगा। आप फरमाते हैं कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार में, तो देखो हम ही कौन है जो ननकाने को रोज ही सानू याद कर रहा है, देखो तो सही कौन है भाई रोज ही सानू ननकाने की याद। पुत्र मेरे बच्चों मुझसे तो वैसे भी कुछ नहीं बोला जाता, मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मुझे पता है मुझसे पहले बड़े किताबात हुए इस हवाले से बड़ी बातें, मेरा बस जो जो मेरी ड्यूटी है मैं बस उसी हवाले से करूँगा। इस दफा नहीं ये मामला जब ये वोट लेने हैं बस इन्ना कुछ नहीं भाजी ये गल जरूर दी आई तो समझी जी बोलो बस यही आपने काम और इसी काम की पाकिस्तान आप ठीक हो गए सब कुछ ठीक हो गए। हाँ ये यार आप तो सारे माशाल्लाह जवान आदमी बैठे हो कुर्बान जाओ, लिखा है कि जब ज़ुल्नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का पाक की तरफ से मदीना तैयबा की जाने तो आपने गारे शोर में कहा यार काफी पीछे पीछे थे तो नबी अलैहिस्सलाम गारे शोर में जलवा गर हुए, वो मकड़ी में जाता घूम दिया, कबूतरी अंडे दे दिए। अब पहले सवाल ही पैदा नहीं होता वो तो वापस लौट गए। अब लिखा है कि हजरत सईद अशरफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रात के देर गारे शोर खाना देने जाती थी, किसी ने मुखबिरी कर दी अबू जाल के आगे कि मैंने रात को ना अस्मा जो कि सदीक अकबर की बड़ी बेटी है उनको रोटी लेकर जाते थे, तो अगर उससे वो बुलवा ले तो पता चल जाएगा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर का। अब लिखा है कि वो अबू जाल आ गया सदीक अकबर अस्मा बच्ची नहीं है छोटी थी ये भी हमने मुबारक है, उसने आगे हम दरवाजे पर दस्तक दिया ओला की कर रही दरवाजा भी हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला ने खोला, ठीक है वो थोड़ा रोक डाल के हजरत अस्मा को कहता अस्मा कहाँ है तुम्हारे नबी अलैहि सलाम और तेरे वालिद हजरत अबू बकर, जो उसने कहा मैं तो नहीं बोल सकता मैं तो दूसरे बोल। अब जरा कोई हिकमत से काम लेना था आप आगे से फरमाने लगी मुझे नहीं लिखा है किताबों में कुछ नहीं दूसरी बार नहीं पूछा, उसने इतने जोर से हजरत इस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हु को थप्पड़ मारा कि आपकी बाली टूट के आपके रुखसार में प्रवस्त हो गई और आपकी गाल से खून का फवारा छूट पड़ा और आप वो गिर गए। अब उसने भी तौर पर होना तो यही चाहिए था ना उठकर, वो कहती नहीं नहीं दूजी ने मारी मैं दस्त, लेकिन नहीं है वो भी तो बेटी सिद्दीक अकबर की थी, वो भी तो बेटी सिद्दीक अकबर की थी, खड़ी हो गई अबू जाल के सामने। उसको जवाब ने साथ फरमाती है अबू जाल पहली बार हिम्मत अमीर से काम लिया, तुझे नहीं बताया कहाँ है, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे पता है मेरे महबूब और मेरे वालिद कहाँ है, अगर बाप का पुत्र है तो पूछ के बता रहा है। तारीख में लिखा है कि अबू जहल रो पड़ा, उसने कहा कल की लड़की अबू जहल को कहती है कि पूछ के बता, वो लिखा है कि दरमियान में लोग पड़े उन्होंने मामले को रखा था। आज फिर ये जरूरत है जब बात दूर किया है तो इन्हें जानना इन्हें आज इतनी देर तक आप भी रंग नहीं लाएंगे याद रखो मैं बड़ा जीव लगी, वो कहते हैं
खपोले जालू, दिल के खपोले जालू थे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के खराब से। ये पाकिस्तान किसी के प्यो की जागीर नहीं है, ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का पाकिस्तान है। ना ये किसी लीग का, ना ये किसी आई का, ना ये किसी पार्टी का, ये हुजूर का पाकिस्तान है। तो मैं उसी के प्रोग्राम में कह रहा था, मैंने कहा तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान के साथ, ये तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का करम है कि ये खड़ा रह गई। हाँ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ये बिल्कुल ये बात हमको सच है, ये सब तुम्हारा करम है आपका कृपा। इस गुनाहगार में हमारे सियालकोट में जैसे शहीद भाई बता रहे थे, वो जुल्म की बात मैंने भी बुजुर्ग की लड़ाई की, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे कितनी लाइन है, मैंने अपनी आंखों से उस बाबे को देखा था, उसके हाथ पे कोई लाइन नहीं थी। एक तो तरह हाथ का इस तरह जलना कि चमड़ी बंदे की सड़ जाएगा, लेकिन कुछ बंदे के हाथों पे ऐसे निशान भी होते हैं जैसे आपने गर्म देश की उठा ली, उसका निशान किसी और अंदाज का होता है। हजरत के हाथ बिल्कुल स्पॉट पे बिल्कुल। तो जिस घर में वो रहते थे ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने हजरत के हाथों को क्या हुआ, तो जो उनकी बड़ी अम्मा थी ना, जो उस घर की दादी थी, उन्होंने बताया कि ये अल्लाह ने ड्यूटी हमारे घर को अता की थी कि ये बुजुर्ग किसी भी वक्त हमारे घर तशरीफ लाते थे, हमारे घर हर वक्त इनके लिए सूप तैयार रखा होता। उन्होंने सूट बदल रहे, उन्होंने फिर चले गए। कहते जब 65 की जंग लगी ना, तो जितनी देर जंग रही है ये नहीं है, तो कहते जिन जंग खत्म हो गई उस दिन नजर आता है कपड़े चंगियाड़ियाँ जैसे चंगे चले हुए कपड़े जगह जगह से, और हजरत के आप कितने इतने सूचे। कहते आते ही हजरत मुसलमान में चले गए जो मजदूबों के अंदाज होते हैं, और अंदर से पुकार में लिए कपड़े क्या हो, कहते हमने कपड़े दिए हजरत ने कपड़े बदले, चार पाई में बैठे। कहते मैंने हजरत के हाथों को देख के ना पूछा कि आपके हाथों को क्या हुआ, तो कहते जो उनका अंदाज था ना उसमें गाली देकर जाने लगे, आए सन पाकिस्तान फतह कर, आए सन पाकिस्तान फतह कर, वो बम मारते हैं मैं कैच करके वापस उड़ चढ़ रहा है। किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों, तुम्हें इसे मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौटेंगे। इतने फराब मिलते हैं, कोई कोई ये जुमला बोलता है सारे यही सुनाते नहीं, ऐसी हर साल ही मिली नहीं, ठीक है भाई कुछ डीसी जाने लग गई बाहर चले गए थे, खुदा का खौफ खा लिया, तू ऐसे जो कि तू हो गए बाहर चले गए, अगर वो ना हो तो ऐसे ना हो तो उसे क्यों नहीं मनाया जाता है यार, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, तू क्यों नहीं मनाया साल होते, ये क्यों नहीं बोला करो ये ना कभी भी कहना कि मैं हर साल ही होते। और मैं कहता हूँ इस दफा ये जो कोरोना है ना, मैंने बड़े बड़ों की गर्दन के सरिये तोड़े हैं। अच्छा तू न हर साल आकर दस रहा है, हमारे इमाम साहब ने आप भी फरमाते हैं आया है बुला बाबा मुझे दरबार है, तू कौन होता है कहने वाला कि मैं हर साल बच्चों ही मैं आपको सच कह रहा हूँ, जितनी देर हम इन सारे मामला से बाहर नहीं निकलेंगे हमें गाली गलत नहीं मिलेगी। और माशाल्लाह इमाम गुरु से आज मिल दिया ताला चलो जाते जाते बुजुर्गों से पा के आस्थाने भी कदम रख जाते हैं जाते हैं, ये लिखा है कि हुजूर को सर रजी अल्लाह तआला के पास में चीनी है। अब बताएं देख लो सुनो, लेकिन देखना भी सुन्नत है, देख के रहना भी सुन्नत नहीं है। और सूफिया कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है, कभी इसे झूठ में ना, ये बहुत झूठ बोलता है। अल्लाह हुसैन रजी अल्लाह तआला का मकाम तो बहुत बुलंद है, तो यार आप तो मादर गाद करी थे, आपकी दूध पीने और ना पीने से तो बगदाद वाले इस बात का अंदाजा लगाया करते थे कि रमजान शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन देखो यार उनका भी कितना तकवा है। वो लिखा है कि जो आपका खादिम था ना,
वो सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते ना उस साइड में गिर के टूट गया। वो बड़ा परेशान है कि यार उस रूह से पाकर जिला उतारा है, जब आईना मांगेगी तो क्या जवाब दूंगा। अब वो दौर तो नहीं था ना कि अगर मोटरसाइकिल निकालिए जाके बाजार से नया आईना दे, तो ना इस तरह के बाजार थे ना बाजारों में इस तरह ही पड़े होते थे। चीजें थी लेकिन थी कामयाब। बड़ा परेशान है उस रूह से पाक को क्या जवाब दूंगा। लेकिन देखो ना रजी खादन भी कुफरी का था ना, चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता था। वो तो वो था जिसको दिन में कई बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला नाम लेके पुकारा करते, जो दिन में कई बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया करते, बस काम बन गया। वो लिखे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू कर लिया तो आप उसे फरमाया भाई आईना लाओ। तो ये नहीं कहता कि हुज़ूर सफाई कर दें कर दें टूट गया, और क्या करता है आईना की हुजूर मैं नहीं तोड़ा कदा इसी टूट गया है। उसने अपना निकाल ही दिया बीच में, अपना नाम ही नहीं लिया उसने, जात को ले आया दरमियान। अर्ज क्या करता है अल सदा आएगा हुजूर मैंने नहीं तोड़ा कदा इसी टूट गया। देखिए हुजूर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। आपने फिर फोर साथ हिस्सा दिलाया और कहता है अल कदा आएगा आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब में खुद भी नहीं सीखी, चंगा आया टूट गया ना देखांगे ना अपना भी याद आएगा याद भी याद करेंगे। निकलो मैं नहीं मेरा निकलो ये नहीं है और मैं आपको सच कह रहा हूँ जितनी देर ये किबला माशाल्लाह फरमाए किबला सब सब तशरीफ मैं अरे बात बड़ी गहरी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना इसको आसान कर सकूं। हुजूर नबी अलैहि सलाम और हमारे दरमियान जो पर्दा है वो पर्दा असल में नहीं है, मैं इससे ज्यादा आपको ये आसान नहीं कर सकता। वो पर्दा नहीं मैं का पर्दा उठ गया तो फिर आपके महबूब की जरूरत नहीं होता। मैं दलील दूंगा आपको, मैं ऐसे बात नहीं करके जाऊंगा, मैं दलील दूंगा। इमाम यार ने सुन्नत रही हिंद में नहीं हुजूर के कदमों में मारा के दी मैं जिसको इतने उलूम पे दस्तरस है, जिसने इतने साल की उम्र में पहली बार हदीस बताया, जिसने इतने साल की उम्र में पहली बार फतवा दे दिया, नहीं कुछ भी नहीं कर रही, सारा कुछ निकाल के साए में रख दिया, अपनी नफी कर दी। और नूर की बारगाह में क्या करते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात बताओ, तुमसे शायदा आधार फिरते पर्दा कोई और नहीं है, तू पर्दा नहीं हुआ, वो मैं हूं पर्दा, कोई पर्दा और पर्दा नहीं है, वो पर्दा मैं हूं। जिस दिन आपने मैं का पर्दा उठा दिया तो फिर आप भी हर जगह यही नारे लगाते फिरेंगे यार को हमने जा बजा देखा है। फिर आपके नारे यही होंगे इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत आला हज़रत। हाय दारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय दारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। बाल कहते हैं जो बचा बचा के न रखी से कि तेरा आईना है वो आईना, जो शिकिस्ता हो तो अजीजता है निगाह दे आईना सारा। पर नबी यार कुल लबो बाबाया ने पंडी लबो अदरिया ने पंडी, क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दवा लगी। पर्दा क्या हूँ, पर्दा जो पर्दा उठ गया तो फिर वही रंग पैदा होंगे जो हजरत सैयदना अब्दुल अजीज का बाप रंग बनता, जो हजरत शेख अबुल हसन खिरकानी रंग बनता। वो यार ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग ने पूरी पूरी बुखारी दो नबी सलाम से पढ़ी तो रंग आज भी पैदा हो सकते। निकलो तैयार कमाए
काम मैं कोई मुखा काम नहीं बता सकता क्या करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना। अच्छा चलो आपको कुछ दिन बात सुनाता हूँ जहाँ से ये मुझे काम हुआ और मैं आपको तो सब बच्चों के आगे गुजारिश करूँगा यार इन बाप लोग मुझे बड़ा प्यार इनका प्यार तुम्हें बड़ा फायदा देगा, ये मेरी झोली में जितने फूल हैं सारे इन बाप लोगों ने दिए, ये हमारे सियालकोट में जहाँ मेरा घर था तो मेरे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान था, उनका प्यार किसी मजलूम से था क्योंकि जो मजलूम मौज में आया वो मजलूम करेंगे, ये सालिकीन है इनका काम है आपको पाक बर्दाड़ी अदा कर देना, मजलूम को मौज आई वो मजलूम करेगा, बस मौज आई किसी को बड़ा मैं मुख्तसर करूंगा। मैं कहता हूँ जाते जाते वो तोहफा जो मुझे हजरत ने दिया है, मैं जामे निजामी लाहौर से अपने सियालकोट वापस आए, जुमेरात थी, धुंध पड़ी हुई सख्त सर्दी, हजरत कब्रिस्तान में बैठे आप मुझे जाते देख लिया, आपने बंदा भेज लिया मुझे कब्रिस्तान बोला है, मैं गया हजरत ने ना ये बात है सन 2002 की, आपने ना मुझे 1000 का नोट अनायत फरमाया, अनायत फरमा के कहने लगे मौलवी जी ये काम कहिए तो कर दो, क्योंकि नोट 1000 का था, मैंने कहा बोला 1000 काम हो फरमाया मैं कर दूंगा, फरमाने लगे यार मैं तो लोग जान नहीं सकता तू आता जाता है ते तेरे रस्ते के मिदार कदर बाबा से भी नहीं सकता लड़ी सदार में से थी लेकिन रंग में ना चल बोले और थे वो थे चलिए जितने सारे हुए अल्लाह ये ना समझना कि इनका दिल नहीं करता, दिल इनका भी करता है लेकिन ड्यूटियां लग गई हैं, दिल तो करता है तो चलिए लेकिन ड्यूटियां लग गई नहीं, हुजूर की उम्मत की क्या खाई है ये ड्यूटियां कर नहीं, जो दिल सब कुछ करता है तो चलिए तो जिससे तो निकला गया सो निकल गया, जिससे नहीं निकला वो क्या करते हैं वो जानबूझ के अपने नाम बदल देते हैं, हजरत ने अपना नाम बदल दिया ताकि मेरा नाम ही गुम ना रहे, वो इनका पहले मिजाज में मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने थोड़ा सा हट के था सड़क पर, जब सड़क की तुष्टि हुई आपका मिजाज गिराने के किनारे शिफ्ट कर दिया तब वहां था मुझे फरमाने लगे यार एक बाबा बैठा है तो ठंड बड़ी है बाबे को उत्ते लहन की कख नहीं है तो गुजार के ना मेरे मुँह बाबे कंबल लाएंगे, असल में कंबल नहीं था वो हजरत ने मेरी तरबीत की, क्योंकि हजरत की किताबों में पढ़ा कुछ और होता आंखों से देखा कुछ और होता है, मैंने कहा हम कोई काम नहीं हो जाएगा लो हम लाहौर है, उस दौर में भी हजरत अच्छा कंबल 1000 में नहीं था लेकिन लाहौर में क्योंकि बड़ा अच्छा ऑप्शन है नड़ेगा हम वहां चलेंगे, हमारे पठान दोस्त थे हमने उनसे बहस कर कराते हैं 800 में कंबल ले लिया, 200 महीने अपनी जेब में आती है, जब सियालकोट जाऊंगा बाबा जी को दूंगा बाबा जी बड़े खुश हो गए, लो जी मदरसे कंबल लाए फिर ख्याल आया कंबल कोरा नहीं इस्तेमाल होया पता नहीं कि पकीदगी का की हाल है मजबूर ने और बनाए नजासत गलीजा है खफीफा है की अच्छी बड़ी बड़ी तना तोता है, अब मदरसा था हमने जरी ड्यूटियां दे के ना हमने छत से कंबल सुखाया बुद्ध कर दिन लाते हम बाहर आए रात करी वहाँ रक्षे पर बैठे हम मिजार आके उतरे कंबल मारे हाथ में था मैं मिजार में था ना बंदा ना बंदे की रात एक ही बंदा बस अखा मन करके बैठ था वो खामोश लेकिन उसकी खामोशी में इतना हो कि मुझे ऐसे लगे जैसे वो चीख चीख के कह रहा है कि जिसको तलाश करने है वो नहीं, लेकिन मैंने कहा बस बस आना अमानत में खयानत में हो, मैंने मिजाज के दाएं बाएं सबसे पूछा किसी ने को मकबूल जवाब नहीं दिया, अब टाइम भी नहीं था मैं अगला मदरसा था सही नहीं दीदा मैंने मदरसे वापस पूछा मैंने रेडी कंबल इस तरह करके हजरत के कंधों पर रख दिया चलो बोलने दी बोल दी बोल दी मैंने उन तक दिल रहा मैंने फिर कमर इस तरह करके ना मैंने इस तरह कर दिया ये चलो फिर बोल रही फिर नहीं बोल मैं थोड़ा सा इंतजार करके वापस जाने के लिए निकला तो हजरत ने हाथ डाल जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं भी खड़ा हो गया तो मुझे फरमाते थे मौलवी जी कंबल के दे चले बेटा 200 बच्चा भी दे ताजदारे खत्म है बाबा ताजदारे खत्म है बाबा।
बंदा भेजते हैं बुला लिया। अब किताबों में लिखा कि हजरत शाह सुलेमान तोसवी अलैहिर्रहमा सर मुड़वाया करते थे, अटेंड करवाते थे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत। अब उसको बुला के बताया कुछ नहीं, उस सामने सर से पगड़ी उतार के उसको कहते हैं यार वाल वाल मर गए तो तू मेरी टेंड नहीं कर दी, उसकी दूरी तो गई पीरों ने टेंड कर दी, ब्लेड वाला ही दूसरा उस तरह उसने जनाब उस तरह तेज किया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाहिनी जानिब से सर मुंह करना शुरू कर दिया। अब वो मुंह रहा है, बीवी ने जख्म बेटे की जुदाई का छील दिया, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा है, लेकिन क्या किया जुबान को दांतों के नीचे दे दिया, कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत नजर आ जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है ना, ये रास्ते बना देता है, जब उसको कोई रास्ता नहीं ना मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और रुखसारों पर बहना शुरू कर दिया। अब उसार टिंड कर रहा है साथ वो रो रहे हैं, ये साइड ना सारी ये वाली उसने सारी मूंद ली इधर तक नीचे तक गर्दन तक। अब आना था उसने बाई जाने, जब बाई जाने वाले की उसने हरकत की ना तो वो आंसू जो पहले दाढ़ी से होते उसके दामन पे गिर रहे, उसके चंद कतरे हजरत के सर के उस सिरे पे गिरे जहां से बाल उतर चुके। हजरत को तो वैसे भी पता था बहाने बनाना था ना, वो पीछे उसके देखे करते वो नहीं बाबिया तू क्यों रो रहे 18 साल बाद की उन्होंने पूछा कि तू क्यों रो रहे। वो गाली कहता ना ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, अब कोई 14 साल होता कोई गमगुसार होता, 18 साल बाद शेख ने पूछा था फिर तो फूट फूट के रोया है। पर मैं क्यों रो रहा है अब कहता हुजूर मैं घर बैठा था 18 साल हो गए बेटा खोए आपकी बारगाह में आके अर्जी पेश की, क्या आपने सुकूत इख्तियार किया, मैं भी नहीं बोला, आज मेरी बीवी ने मुझे ताना दिया कहती शाह हम उधर ना मांगी जिधर मेरा मुंडा आपके देंगे, फरमाने लगे ये उसने कौन सा बड़ा काम क्या किया, जा तेरे जाने से पहले बैठे बेटा बेटा घर आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं हां जी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कर फवाइद अल फवाह शरीफ लिखा है कि हजरत अपनी खानकाह में खड़े थे, करते क्या थे बार बार जमीन पे ना सिर्फ अपना पंजा रखते थे, सारा पांव नहीं रखते थे, बार बार आप ये अमल कर रहे थे, मुरीद सारे खड़े देख रहे हैं हजरत कर क्या रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं को हजरत से पूछे हजरत आप क्या कर रहे हैं, जब हजरत आपके अपनी मसलक पे बैठे सारे मुरीद आ गए खिदमत हुई अलगी हुजूर आके आप बाहर खेम में खड़े थे और करते क्या थे बार बार जमीन पे सिर्फ पंजा रख रहे थे एड़ी नहीं रखते थे, आप क्या कर रहे थे। आपने फरमाया मैंने अपने अकाबरीन का कौल पढ़ा है कि हमदुल्ला के लिए शेर का ये ढाई कदम है, कुर्बान जाओ निजामुद्दीन को इतना नवाज दिया मेरा तो वादा भी नहीं बन रहा था है। कौन इनके साथ दौड़ सकता है, तो दौड़ सकता है उसने बड़ी दौड़ लगाई तो पकड़ लूंगा, लेकिन जाने से पहले फिर क्या देखता है सारा पिंड का इकट्ठा हो जाता है, जाकर लोगों को बुलाने का हाथ किया है और क्या ही तेरी तेन पूछना है कि तेरी दुकान किधर है, जब उसने लोगों को हटा के अंदर बैठ क्या देख क्या गली चार रुपए बिछी है जिसमें 20 साल का गबरू जवान बैठा है, तो खून ठंडे पाए तब खूनों में गर्मी थी खून में खून को खेचा, बाप को बताना नहीं पड़ा तेरा बेटा है, बेटे को बताना नहीं पड़ा तेरा बाप है, दोनों बगल गिर हुए खूब रोए, जब अंदर के तूफान थम गए तो चार पाई पर बैठा के ना बाप बेटे से पूछता है वो पुतला गया के नहीं दिया है चंद्रवाली जानता है जो बड़ा आया तेरे कैसे खाने का आया, उन्होंने भी कभी नहीं किया कि साड़ी बोला, उन्होंने किया कि जितने मोदो आ गई लेकिन 10 दिन ही संग की तक 10 दिन जवाब के साथ अच्छा पुत्र है तेरा है उन्हें 10 आया अंदर बड़ी मेरा शेख मालिक के जला सी ने कोड़ा तैयार कर मुके मैं कोड़ा तैयार करके दीवार फाड़ के पूरी अलम करके क्रोता सा बाबा पूरी चुनी आया जमीन की निकल आया सामान पूरी का मैंने दौड़ता आया मेरा हाथ फड़िया तो सने घोड़े मैंने इतने रख के गायब हो गया हजरत शाह सुलेमान तुसवी अलैहिर्रहमा हाँ अच्छा वो मुरीद था वो पूछता है कहता अगर ले जाऊं और बाबा जी पहचानने पड़े शनाख्त करनी पड़े बाबा जी तो कर लेगा, वो कहता भाई पहली बार तो आया तो बाबा जी अगर सुने और जाना के लिए अखरार होकर जब पछाण लगा लेकिन सब तो वही बाबे की निशानी है ये टेढ़ धड़ के सिर के वाल ये तो हुजूर नबी अलैहि सलाम की गुलाम हजरत शाह सुलेमान तोसवी की जान है, फिर उनका आलम क्या हो गया है। मैं आप सब बच्चों से पुत्र यही कहूंगा वफा करूँ।
और पुत्र जर्मनी की वीजे के लिए रूस से ले और फाइल जर्मनी के वीजे के लिए रूस से ले चिट्ठी चमड़ी के लिए रूस से ले और फाइल बिल्कुल मैं कुर्बान जाऊं ये हजरत बाबा फ्री में लगे अब फरमाते मुझे कुतुब शाह में सारे से फरमाते मैं सारे से जो किसी दाशी को भी उसकी बात करते अब फरमाते जब वहां पहुंचा तो मैंने पूछा कि कोई अल्लाह ने उन्हें कहा जरा बैठे तो नहीं है सामने पहाड़ दिखता है जूते का घर है उठे रहने बाबा साहब फरमाते मैंने सफर किया वहां पहुंचा अब फरमाते जब घर के मुंह पे पहुंचा तो क्या देखता हूँ वहां एक टांग कटी पड़ी कहते अंदर जमा गया बाबा साहब बाबा बुजुर्गों के पास अब जो उनकी आपस में बातें हुई क्योंकि वो यहाँ करने वाले नहीं कुछ वादत मौजूद है कुछ मार्फत का मौजूद बड़ा फरमाते कि जब मैं वापस जाने लगा तो क्योंकि सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत कर और फरमाते जब हजरत उठे ना तो हजरत की भी दाई टांग हुई क्योंकि जो हजरत बैठे थे आपने गुदड़ी ओढ़ रखी थी मुझे नहीं पता कहते हजरत की दाई टांग हुई थी एक टांग बैर कटी पड़ी थी कहते मैंने जैसे पूछा जरूर एक देखी थे फरमाते आप तो मैंने जरूर ये किया फरमान लगे आप बस दावा कर देते हैं और मैं इम्तिहान छे कहते वो क्या बाबा साहब कहते फरमाने लगे मैं सिगार में बहुत मशहूर था तो बारिशों का एक नाम रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ अब फरमाते 7 दिन तवातुर से बारिश हुआ घर में इतनी ठंड हो गई मुझे लग रहा था कि ठंड मेरी जान दे दी अब फरमाते मैंने अल्लाह की उसमें दुआ की 8वें रोज बारिश बंद हुई सूरज निकला अब फरमाते मैं तो घर के मुंह पे बैठा ना सूरज की तपश से अपने वजूद को गर्म कर रहा था तो क्या हुआ पास एक चिट्टी चमड़ी बनी हुई थी अब फरमाते मेरी नजर उसके चेहरे पर बस वो नजर असर कर दी और मेरा जी चाह कि मैं इसके पीछे जाके फिर इसको एक बार देखो ऐसी मत मानी गई कोई पहाड़ के ऊपर औरत आ नहीं सकती थोड़ी होश का पर मैं ऐसा गंदा हुआ और फरमाते उठ खड़ा हो और लाल से मैं सबसे पहले दाया कदम बाहर निकला तो फिर गैर से आवाज की आती है वाह भाई वाह वाह भाई वाह ईश्वर के दावे साढ़े ना ते जाते गए ना पीछे कुछ जरूरत हो नबी इस्लाम से मांग ले अब मैं आपको लेके आने लगा हूँ देखो कैसे नमाज लेकिन सिर्फ एक बात काम ऑलरेडी मैं तो बहुत अच्छे नहीं लाइक हूँ पाकिस्तान छट गए तो चूज नबी सलाम का गुलाम है फिर देखो हजरत क्या क्या नाम क्या क्या नाम हजरत शेख अब्दुल खैर अक्के लाही रहमा फरमाते हैं मुझे हुजूर नबी सलाम ने बुलाया कहते मैं आपकी खिदमत दुआ दुरूद सलाम पेश किया अब फरमाते एक दिन गुजर गया कुछ नहीं दूसरा दिन आ गया कुछ नहीं तीसरा दिन आ गया कुछ नहीं चौथा दिन आ गया कुछ नहीं पांचवा दिन आ गया कुछ नहीं हमारी तरह बन गई थी अब फरमाते मैं किसी शहर के दरवाजे पे गया अब फरमाते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मेरा ले हुआ है और जाके अर्ज की दुरूद सलाम पेश करने के बाद महबूब आपका मेहमान हूँ 5 दिन का भूखा कहते ये अर्जी पेश करके ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मेंबर शरीफ के पीछे जाके सो गए कहते जब सो गए ना तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ फरमाने लगे ओ अबुल खैर तू सोए देखो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाए कहते मां तेरे खिदमत हुआ तो क्या देखता हूँ दाई जानी हजरत सिद्दीकुना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला कोई यहाँ मैं कहता हूँ कोई कुत्ता भौंका था सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला बस कुत्ते को हर प्रोग्राम में कहता हूँ मैं कुत्ते या तू भौंक कुत्ते या तू हो गए कुरान च भी नाल गार च भी नाल मदारा च भी नाल मदार च भी नाल खाबा च भी नाल है
चार रातें गुजर गई
मेरी सारी रात बारे बैठी रोती रहती है, साथ अर्ज करती रहती है, हुजूर मदद फरमाओ, मदीना छुड़वाने लगा है। तुम रोगे तो नहीं करे, ये दुआ रही हमने रोगे छोड़ दिया, याद कर रखो। और मैं बस इसी पे कहती हूँ कि वो इंशाल्लाह फिर मौका बनेगा, अब मौका बनेगा, मैंने ही कर दिया, मैं इसी पे बस बात को खत्म कर दिया। जाओ फकीरा जाओ बेला सरगीदा, हमसे हमारी शरीर में अच्छी नहीं, हमसे हमारी शरीर में अच्छी नहीं, उठो पुत्र सरगीदा। ये साला कुशारी इमाम अबुल कासिम कुशारी अफरमाते, कोई बंदा था तो उसने कोई लोंडी खरीदी, जो रात आई ना वो लोंडी को कहता बिस्तर बिछा, वो हैरान होकर पूछ लिया है मेरे आका को तेरा भी आका है, हाँ मेरा अल्लाह मेरा आका है, पूछती फिर तेरा आका सोता भी है ना, सोना तो दूर लाता कुछ वो से ना तुम बता, मेरे मालिक की शान के लिए उसे कभी ऊँग भी नहीं, वो कहते तू कैसा गुलाम है तेरा आका जाग रहा है तू सो रहा है। आपको भी पता सर्दी क्या होता है, सर्दी बादशाह में सर्दी को से आलम बन गए, सर्दी मुजद्दद अल-फिसानी बन गए। जा फकीरा जाग वेला सर्दीदा, जा फकीरा जाग वेला सर्दीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबीदा। उठो मेरे